हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन में स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के 2022 के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो पेपर कोड है वो आज का पेपर कोड रहने वाला 346 GB। मतलब जो आपके पेपर का कोड है वो पेपर के कोड ऊपर लिखा गया है 346 G और B। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने इससे पहले जो पेपर सॉल्व किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्यारे बच्चों तो वो वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी केवल हम एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में, जो पिछले सत्र पूछे गए हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों का अध्ययन करा रहे हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी आप वो सब छोड़ के चले आ रहे हैं, तो वो भी सॉल्व कराया जाएगा प्यारे बच्चों, परंतु एक महीने बाद लगभग मान लिया जाए। थोड़ा सा तब तक हम लोग फिजिक्स का सेकंड भाग कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आपको सॉल्व करने में और लगाने में और ही आनंद आएगा। तब आप सेकंड फिजिक्स पढ़ लेंगे ना कुछ, इसलिए थोड़ा सा रोका गया है। तो आज की क्लास में हम लोग 346 GB का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप लोग भी सॉल्व कीजिए साथ में। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन आपका क्या है। तो आपको स्क्रीन पे वो प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है, आपने सवाल पढ़ा, विकल्प भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब आप सोचिए कि क्या आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, कह रहा है अर्धचालक में संयुक्तता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। आप अर्धचालक युक्तियां चैप्टर पढ़ाया जाएगा इस क्लासेस के दौरान, तो वहां पर बताया जाएगा जो आपका अर्धचालक होता है उसमें दो ठो बैंड बनता है, एक चालन बैंड होता है और एक जो होता है आपका संयुक्तता बैंड। अब संयुक्तता बैंड और चालन बैंड में जो ऊर्जा होती, जो ऊर्जा का अंतराल होता है, वो प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आपको देखिए कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई पड़ रहा जो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो। तो हम जो है ऑप्शन नंबर दो पे क्या लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे, क्योंकि चालन संयुक्तता और चालन बैंड का लिख सकते हैं। चूंकि अब हम बात करेंगे इसी प्रश्न का ख नंबर, अब ख नंबर को पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। हाइड्रोजन परमाणु के दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग में अंतर कितना होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, विकल्प आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप विकल्प देख सकते हैं। अब वो क्या कर रहा, उत्तरोत्तर कक्षाओं में, उत्तरोत्तर कक्षाओं का मतलब आप समझते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। देखिए हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपके प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये कोई हाइड्रोजन परमाणु का एक कक्षा हो गया, ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। ठीक, अब ये फर्स्ट कक्षा हो गई, उसके बाद ये वाली जो कक्षा होगी ये सेकंड वाली कक्षा हो गई। उत्तरोत्तर का मतलब है कि ये दूसरी, ये पहली या तीसरी या दूसरी चौथी तीसरी, ये एक दूसरे को उत्तरोत्तर मतलब एक दूसरे के बाद आने वाले। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पर बताइए जो यहां पर इनका संवेग है और यहां पर जो संवेग होगा इन दोनों का अंतर क्या होगा। अगर मैं बता दूं भैया इनका संवेग P2 मान लो और इनका संवेग P1 मान लो, तो उत्तरोत्तर कक्षाओं में उत्तरोत्तर हम जानते हैं कि बोहर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्णगुणज होगा। यही बोहर ने बताया था, हमको नहीं बताए थे, आप लोगों को भी बताए थे, आप लोग ध्यान दीजिए, बोहर ने यही बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिन कक्षा का कोणीय संवेग NH/2π के पूर्णगुणज हो, जहां एन कक्षाओं की संख्या होती है और एच जो होता है प्लैंक्स नियतांक होते हैं और 2π जो होता है आपका पूर्ण रूप से एक वृत्ताकार कक्षा के लिए एंगल होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम इस फार्मूले से NH/2π के मदद से हम P2 कक्षा का संवेग निकालना चाहें तो यहां पर 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 2, तो यहां पर हो जाएगा n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2H/ कितना हो जाएगा 2π। अगर P1 की बात करना चाहे तो n के स्थान पे 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो H/ क्या हो जाएगा 2π, और दो हर बराबर है, 2H में से 1H घटा देंगे तो H/ कितना आ जाएगा 2π।
तो जो कक्षाओं उत्तरोत्तर कक्षाओं के संवेग का जो अंतर है वो है एच अपान टू पाई के बराबर आया। अब आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो वो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि आपके उत्तर से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट है, समझ में आया होगा। तो आप इसका एक एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी तक वीडियो नहीं शेयर किए होगे अपने दोस्तों के साथ तो फटाक से वीडियो को शेयर कीजिए, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न यानी ग नंबर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए ग नंबर की शुरुआत कर लेते हैं, पहले उसको हम इसको मूव कर लेते हैं तब ग नंबर की शुरुआत करते हैं। ठीक, ग नंबर आपको इस समय स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। मतलब 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्यारे बच्चों हम ई से दिखाते हैं। ई के बराबर 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, समझिए जरा सा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बदल देंगे, इसको हटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5000 गुणे ई के स्थान पे 1.6 × 10⁻¹⁹ ये बोल्ट आ गए। यदि हम यहां से पॉइंट को हटाएं तो बटे 10 लग जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 × 5 = 80, 80 आगे 2 ठो शून्य है तो 2 शून्य उतार लेंगे, × 10⁻¹⁹ आ गए। अब आप देखिए 1, 2, 3, 3 पावर यहां से कम हो जाएगा तो 8 × 10⁻¹⁶ जूल। ये आई भैया इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा दी गई थी। ठीक, अभी तक तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, कहीं भी होगी भी नहीं, कहीं भी फिजिक्स का पेपर एकदम समझ लो हलवा के जैसा हम लोग सॉल्व करेंगे, अब भी सॉल्व करने वाले हो। देखो अब आ गई, वो पूछा क्या है? वो तो पूछे हैं भैया डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा इक्वल टू एच बटे पी। जो प्यारे बच्चे अगर ये सब नहीं पढ़े हैं वो सब्र कीजिए प्यारे बच्चों, सारी क्लासेस आपको आपके एग्जाम से पहले मिल जाएंगी, कहीं भी भटकना नहीं है जरा सा, और ना तो कहीं हड़बड़ाना, भी काफी टाइम बचे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, अब लैम्डा निकालने के लिए पी की जरूरत पड़ेगी, तो आइए सबसे पहले हम पी निकाल लेते हैं। तो पी होता है संवेग, जो कि होता है बराबर होता है 2 m k, मतलब 2 m e k। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 की m होता है द्रव्यमान, किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको दिया ही नहीं प्यारे बच्चों, वो आपको याद होगा या तो पेपर के पीछे दिया रहेगा, 9.1 × 10⁻³¹। अब ई के की वैल्यू है 8 × 10⁻¹⁶। ठीक, चलिए अब हल करते हैं, 8 × 16 तो 16 × 9.1 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? फिर 31 और 16 जोड़ देंगे तो 10⁻¹⁷ आ जाएगा। चलिए अंडर रूट लगा लेते हैं। अब आप जरा सा समझिए, अगर हम इनका गुणा कर दें या पॉइंट हटाए और इनको यहां कर दें, और ये 10 को प्यारे बच्चे ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा 47 × 48, और इनका गुणा कर दें तो 16 × 1 = 16, 16 × 9 = 144। उसके बाद एक कितना हासिल था? 1, तो 145 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 145 ठीक × 10⁻¹⁸। अब आप बताओ इसका आपको 1456 का वर्गमूल निकालना है, कितना निकालना पहले बच्चों? वर्गमूल। तो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, फिर उसके बाद 1456 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, फिर उस आप भी पेन और रफ की मदद से निकाल लीजिए। तो 1456 का अगर हम वर्गमूल निकालें प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 1456 का वर्गमूल निकालेंगे तो 38.15 आएगा, कितना आएगा? 38.15। अब
ये 48 जब वर्गमूल बाहर आएगा तो 10 घाते माइनस 48 को आप 10 घाते माइनस 24 का वर्ग लिख सकते हैं, 24 दुनी 48 होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो 10 घाते माइनस 24 ये आ गई भैया p की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? p की। आपको p थोड़ू ज्ञात करना, आपको लैम्डा ज्ञात करना। आ जाओ अब लैम्डा इक्वल टू पढ़े हो या चपान पी, एच होता प्लांक नियतांक जो कि 6.62 गुणित 10 घाते माइनस 34 होता है, और पी की वैल्यू आपको पता है 38.15 गुणे 10 घाते माइनस 24। यार बच्चों अगर हम इनको कैंसिल कर दे तो ऊपर 10 बच जाएगा और इन्हें आप कैंसिल करोगे तो 0.173 और वहां कितना बचेगा 10 घाते माइनस 10 मीटर। आपका ऑप्शन एंगस्ट्रॉन में दिया गया है इसलिए ये जो चीज होती है ये एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है, एक एंगस्ट्रॉन के, तो हम यहां लिख सकते हैं 0.173 एंगस्ट्रॉन। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपके पूछे गए प्रश्नों में? जी बिल्कुल, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। मैच करा लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा सही होने वाला है। पर बच्चों तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है, इस प्रश्न का जवाब है। ठीक, ये रहा आपका ग नंबर प्रश्न, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की जो प्रश्न है जो घ नंबर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आपको जो घ नंबर है वो क्वेश्चन इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की परास कितनी होती है? प्यारे बच्चों ये क्लास हमने पढ़ा के रखा है, ये क्लास आपको पढ़ा के रखा गया है प्यारे बच्चों कि रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति परास होती, जो रेंज होती, ये सब आपको याद रखना होगा। इसका कोई फार्मूला नहीं होता कि आप इसको निकाल लेंगे। तो भैया इसका जो ऑप्शन है 3×10^16 से लेके 3×10^10 तक, फिर उसके बाद 3×10^14 से 3×10^16, तो तमाम प्रकार के ऑप्शन दिए प्यारे बच्चों, परंतु इनमें से जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वही केवल करेक्ट है, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंग में होता है घ नंबर। घ नंबर का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या है? करेक्ट है। उसका परास कितना होता है? 3×10^12 सेंटी 12 से क्या हो जाएगा? 12 से हो जाएगा 3×10^14 सेंटीमीटर सेंटी, हाँ तो ये प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये हो गए प्यारे बच्चों आपका घ नंबर का उत्तर। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे अंग नंबर का। अंग नंबर आपका लगाने योग्य है, आइए अंग नंबर का चर्चा करते हैं। इस समय आपको वो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V=10√2 साइन 200 t लगाई गई है, तो V और I के बीच कालांतर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये भी क्लास हमने अटेंड किया होगा, अगर आपने अटेंड किया होगा तो जबरदस्त आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो जो चीजें आपको दी गई हैं सबसे पहले आप वो तो लिख लो, दिया क्या है आपको? दिया 200 ओम प्रतिरोध, मतलब R=200 ओम दिया है। ठीक, R=200 ओम है तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व, मतलब प्यारे बच्चों L दिया है, कुंडली लगी है उस परिपथ में, 1 हेनरी है। श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V=कितना है? 10√2, 10√2 फिर साइन, फिर 200, फिर उसके बाद टी लगाई गई है, तो वी और आई के बीच में कालांतर बताना है, फाई बताना है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आसान एकदम मक्खन वाला सवाल है ये, आइए हम देखते हैं जरा सा। अगर हमको ये चीजें दी गई है तो हम सवाल इससे पहले काफी सवाल इससे रिलेटेड लगाए हैं प्यारे बच्चों अभ्यास के दौरान। ये जो डिजिट होती है ये डिजिट V0 को व्यक्त करता है, और T में जिसका गुणा हुआ रहता है
वो ओमेगा को व्यक्त करता, किसको व्यक्त करता प्यारे बच्चों, ओमेगा को, यानी वी नॉट की वैल्यू 10 कड़ी में 2, ओमेगा की वैल्यू 200। क्या इतना बात क्लियर हो रहा? बिल्कुल। अब अगर मुझे कलांतर निकालना है प्यारे बच्चों, तो कलांतर होता है फाई, और जो कि कॉस फाई बराबर होता है आर अपान जेड। आर प्रतिरोध है, जेड प्रतिबाधा है, आर आपको दिया है परंतु जेड नहीं दिया गया प्यारे बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा आउट निकालते हैं भैया, परिपथ की प्रतिबाधा। अगर हम चर्चा करें परिपथ की प्रतिबाधा, तो जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब आपको एक्सएल कहीं पर नहीं दिया गया है, तो एक्सएल इक्वल टू आप जानते होंगे प्यारे बच्चों ओमेगा एल होता है, यहां पर रख दीजिए। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। अब डिजिट रखते हैं सबकी, आर की वैल्यू कितनी है 200 है, कितना है 200 का वर्ग करेंगे, प्लस ओमेगा की वैल्यू भी आपके पास 200 है, और एल की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां है 1। ठीक, ये अब आप इनको हल करेंगे। तो 200 का वर्ग करेंगे तो लगभग 40,000 आ जाएगा, और उसका भी वर्ग करेंगे तो 40,000 ही आएगा। अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 80,000। ठीक, अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो इनका वर्गमूल निकल के आएगा कितना आएगा प्यारे बच्चों, इनका आएगा 200 कड़ी में 2। इनका वर्गमूल आएगा 200 कड़ी में 2। ये जेड की वैल्यू आई। अब आ जाइए कलांतर निकालने के लिए। तो कलांतर होता है कॉस फाई इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है 200 है, और जेड की वैल्यू कितनी है 200 कड़ी में 2, 200 कड़ी में 2। ये 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस फाई बराबर 1/2 है। अब ये 1/2 प्यारे बच्चों कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये तो कॉस 45 की वैल्यू है, तो भैया यहां हम कॉस 45 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, फाई बराबर कॉस 45 हो गए। अब बोलो कॉस से कॉस कैंसिल, फाई इक्वल टू कितना आ गया 45। तो आपको जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा 45 से, वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन अंगा नंबर में मैच कर रहा है। तो अंगा में प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर दो आपका अंगा प्रश्न के लिए क्या है, करेक्ट है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा अगर हम यहीं पर बात कर लें छ नंबर प्रश्न की। छ नंबर आपको स्क्रीन पेज पे छ नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी ऑप्शन नंबर एक तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर दो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर तीन आवृत्ति बढ़ जाती है। पहले बच्चों एक बात सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति एक ऐसी चीज होती है जो न तो बढ़ती है न तो घटती है, अर्थात बदलती ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो तीन है वो गलत है, साफ सीधी सी बात है। तरंग दैर्घ्य जो है क्या करा, वायु से कांच में जा रहा तो विरल से सघन में जा रहा है प्यारे बच्चों, तो बढ़ तो कभी नहीं सकता तरंग दैर्घ्य, बल्कि घट सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो आपका क्या है, सत्य है कि भाई ऑप्शन नंबर एक क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो वायु से कांच में जा रहा है, तरंग दैर्घ्य कम हो जाता है। ये है प्यारे बच्चों आपका प्रश्न का जवाब चार नंबर का। तो इस प्रकार खंड अ में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पुटअप किए गए थे वो सारे क्वेश्चन का सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और कहीं भी अगर न समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे खंड ब की। तो गाइस हम शुरुआत करने वाले हैं खंड ब की, प्रश्न नंबर दो का। अब प्रश्न नंबर दो का जो क नंबर है, तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या दो, प्रश्नोत्तर संख्या दो, ऐसे ब्लैक पेन से प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या दो लिख देनी है। फिर उसके बाद अब जो प्रश्न आप करने वाले हो वो प्रश्न लिखिए। जैसे दूसरे का अगर आपको क करना है, तो आपको स्क्रीन पे दूसरे का क नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है, स्थिर विद्युतकी का गॉस नियम लिखिए।
स्थिर विद्युती का गॉस नियम लिखिए प्यारे बच्चों। तो क नंबर का जवाब है गॉस के नियम को लिखना प्यारे बच्चों। अब गॉस के नियम को फुल रूप से फुल डिटेल में जो हम लोगों ने अध्ययन किया है अध्याय नंबर एक के अंतर्गत या अध्याय नंबर दो एनसीईआरटी से अध्याय नंबर एक होगा और आपका अगर और अन्य बुकों से देखेंगे तो आपका अध्याय नंबर दो होगा। तो आपको इस प्रश्न का जो जवाब है प्यारे बच्चों वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप फुल डिटेल से वहां जाके गॉस के नियम को देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा होगा प्यारे बच्चों तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या आपको प्यारे बच्चों चाहे वीडियो के होम पेज मतलब कह लिया जाए आई लिंक पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, वो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गॉस के नियम को। तो गॉस का नियम क्या कहता है, आपको लिखना कैसे रहता है प्यारे बच्चों, जैसे आपने ये लिख दिया गॉस का नियम, ये लिखने जा रहे हैं आप, ये लिखे गॉस का नियम। अब गॉस का नियम क्या है, मैंने बताया ना कि आपको लिंक में है आप वहां से देख सकते हैं। अब केवल हम इनके गणितीय व्यंजक को लिख रहे हैं। गॉस का नियम होता है कि किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है प्यारे बच्चों वो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से व्यक्त कर रहे हैं यहां पर। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का, कुल आवेश कौन होता है क्यू का, वन बटे एप्सिलॉन गुना होता है, गुना मतलब गुना वन बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू का गुणा एक में कर दे तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या होती है विद्युतशीलता होता है। ये फार्मूला कैसे आता है प्यारे बच्चों अगर ये आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पड़ा है इसका वीडियो, आप वहां से जाके देख सकते हो। चलो अब हम बातें करेंगे ख नंबर की, और ख नंबर इस समय आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से देखिए सवाल क्या करा। कम विभवांतर पर यानी वोल्टेज कम है, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचिए, कितना गजब और कितना सरल सवाल प्यारे बच्चों। अगर हम बता दें कम विभवांतर पे यानी वोल्टेज कम हो तो जो धात्विक तार होता है वो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात वो ओमी प्रतिरोध के जैसा व्यवहार करता है, और प्यारे बच्चों जो टॉर्च का बल्ब होता है वो कम विभवांतर पे कम वोल्टेज पे अनओमीय को दर्शाता है, अर्थात वो ओम के नियम को पालन नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो आइए हम ख नंबर की चर्चा कर लेते हैं कि जब कोई धात्विक तार होगा कम वोल्टेज पे, जब कोई धात्विक तार होगा ये वोल्टेज दिखा दिए, आगे बढ़ोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और इधर की तरफ बढ़ोगे तो धारा इंक्रीज करेगी। तो कम विभवांतर पर क्या प्यारे बच्चों, कम विभवांतर पर तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा बढ़ती चली जाती है प्यारे बच्चों। ये होता है प्रतिरोध, ये है आपका किसके लिए, धात्विक तार के लिए। अगर यहीं पर बात कर ले टॉर्च के बल्ब के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, टॉर्च के बल्ब के लिए, तो कम विभवांतर पे जो टॉर्च का बल्ब होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा नहीं बढ़ेगी, इसमें ओम के नियम का पालन ये नहीं करते। तो इसको हम लोग एक कह लिया जाए वक्रीय रेखा प्राप्त कर देते हैं। ये किसके लिए है, टॉर्च के लिए, ये किसके लिए प्यारे बच्चों, टॉर्च के लिए है, और ये धात्विक तार के लिए है। तो इस प्रकार आपका ख नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप इन दोनों का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं घ नंबर की। बी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कड़ी के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। बी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कड़ के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो गाइस देखते हैं ग नंबर का जवाब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब डी ब्रोगली ने बताया था, या डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार
डी ब्रोगली के अनुसार जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच बटे पी। समीकरण नंबर क्या हो गया? एक हो गया। अब हम अगर आगे चर्चा करें, जो आवेश है प्यारे बच्चों वो वी वोल्ट से त्वरित है। तो चूंकि चूंकि आवेश वी वोल्ट से क्या है? त्वरित है। चूंकि आवेश वी वोल्ट से क्या है? त्वरित है। वी वोल्ट से त्वरित है, वी वोल्ट से त्वरित है, अर्थात अर्थात कण का संवेग जो होगा, कण का संवेग पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2ME के, 2ME के, या हम कह दे यहाँ ई नहीं है, कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो 2m क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो हम ये चीज यहां पर रख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच अपान 2mV हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका लैम्डा का जो व्यंजक होता है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। घर नंबर क्या कह रहा है? अब प्यारे बच्चों आपको घर नंबर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है? यदि आपको आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को हल कीजिए, और नहीं आ रहे हैं प्यारे बच्चों तो प्रयास कीजिए कि आपको प्रश्न आए। क्या कह रहा है घर नंबर? एक चालक पे 2.4×10⁻¹⁸ कूलाम धनावेश है। कौन सा धनावेश? मतलब प्यारे बच्चों धन आवेश है, यानी वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। अगर ऋण आवेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। ऋण आवेश है, धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस बात को ध्यान देना। तो भैया कितने आवेश हैं? क्यू की वैल्यू है 2.4। क्यू की वैल्यू है 2.4×10⁻¹⁸ है कूलाम। क्या है? धनावेश है। क्या है? धनावेश। धनावेश है मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। चलिए आगे आगे क्या करा? बताइए कि इस चालक पे कितने इलेक्ट्रॉन कम है या कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना। अब पूछ रहा कम, तो भाई हो कम है या अधिक है? अधिक की तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अधिक की चांस इसलिए नहीं क्योंकि अधिक होता तो धनावेश होता ही नहीं, वो ऋणावेश हो जाता। मतलब कमी है, कितने की कमी वही बताना है। तो आप फार्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, एन इक्वल टू होता है क्यू बटे ई। क्यू की वैल्यू है 2.4×10⁻¹⁸ और ई की वैल्यू है 1.6×10⁻¹⁹। ये कैंसिल होगा, पावर एक ऊपर चला जाएगा और ये पॉइंट्स पॉइंट्स कैंसिल हो जाएगा। 24/16 गुड़े क्या हो जाएगा? 10। ये पावर 10, 10 की पावर -1 था, ऊपर गया पावर 10 हो गया। आप 24^240 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब 16 से भाग दीजिएगा, 16 से भाग देंगे तो 16×21 16 हो जाएगा। दो बार तो जाएगा नहीं प्यारे बच्चों, 8 बचेगा, 18, 16×21 16। फिर उसके बाद कितना बचेगा प्यारे बच्चों आपके पास? 16×21 16 8 बचा ना, आगे 5 तो 15। कितना आ जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। कैसे जाने कमी? क्योंकि धनावेश है प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका कौन सा नंबर? घ नंबर का जवाब। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो भैया। अब अंगा नंबर की बात करते हैं, अंगा नंबर क्या कह रहा है? चलिए स्क्रीन पेज पे आपको अंगा नंबर भी दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। क्या है प्यारे बच्चों? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। तो चलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये देखिए, हम F1 का नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं? F1। ठीक। अब साथ में अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। तो भैया अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम F2 नाम दे रहे हैं। वो कितना है? -50 सेमी। ये ऋणात्मक हो गई। आगे क्या करा बताइए? आगे क्या करा? दोनों संपर्क में रखे गए, यानी
दोनों लेंस इस प्रकार रखे गए हैं बच्चों, एक उत्तल है और एक क्या है अवतल है, तो दोनों को इस प्रकार क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। आप ऐसे समझिए, ये उत्तल हो गया, ये क्या हो गया अवतल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है संपर्क में रख गए हैं, रखे गए हैं। आगे क्या कर रहे हैं, इन संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूर, इन संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, इन संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूर कोई एक वस्तु रखी गई है, ये कोई वस्तु ए और क्या हो गया पहले चुकती, जो कि उस इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब आपको U भी दिया है, क्या दिया पहले बच्चों, U, और U सदैव माइनस में होता है 25 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात इस संयोजन के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा वो आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो V तभी ज्ञात होगा जब आपको F पता होगा। तो पहले इस संयोजन की हम क्या करते हैं, फोकस दूरी निकालते हैं। प्यारे बच्चों जब कोई भी दो लेंस तीन लेंस चार लेंस कई लेंस एक साथ जोड़े गए हो तो उनकी फोकस दूरियां जोड़ दी जाती है, वही तुल्य फोकस हो जाता है। तो संयोजन की कुल फोकस निकालते हैं, संयोजन की फोकस दूरी। अब बात करें संयोजन की फोकस दूरी की, तो फार्मूला होता है एक बटे यफ बराबर एक बटे यफ वन प्लस एक बटे एफ टू, दो है और तीन होता तीन हो जाते हैं। अब एक बटे एफ वन की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 10 है, और अगले की वैल्यू कितनी है -50 है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं जरा सा, 10 और 50 का एलसीएम लोगे तो 50 आएगा, 10 पच्चे 50 तो 5 एक अंडम 5 एक आ जाएगा, 5 में से एक घटा दोगे प्यारे बच्चों 4 बटे 50 आएगा, ये एक बटे एफ की वैल्यू है। ठीक, आ जाइए अब आपको वी पूछा है, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो भैया लेंस का सूत्र तो कक्षा 10 में पढ़ लिए आप लोग, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या कहता है कि एक बटे वी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे यफ, माइनस यू को उठा के उधर कर दो क्योंकि एक बटे वी ज्ञात करना है, एक बटे यफ प्लस क्या आ गया एक बटे यू, वैल्यू रखते एफ, एक बटे यफ की वैल्यू कितनी है 4 बटे 50 है और यू की वैल्यू माइनस 25 है, तो माइनस एक बटे 25। चलिए 50 और 25 का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो 50 आएगा, 50 इक्के 50 तो 4 आ जाएगा, 25 दूनी 50 तो 2 आ जाएगा, तो 4 में से 2 घटा दोगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा जानते हैं, 2 बटे 50, 2 बटे कितना आ जाएगा 50, ये कैंसिल करके 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा और V की वैल्यू धनात्मक आई है, इससे यह पता चल रहा है कि जो वह प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के आगे बना है, वस्तु की तरफ नहीं बना, वस्तु के आगे बना। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका अंग नंबर का जवाब, आप दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा जो कि थ्योरी प्रश्न है, पूछा है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है इसको हम समझते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली जो प्रकाश है या जिनसे निकलने वाली तरंगों के कलाओं का अंतर स्थिर हो, मतलब बदले ना, नियत रहे, वो क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, आपको लिखना कैसे रहता है, ये रहा प्यारे बच्चों आपके 4 नंबर का जवाब, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो पेपर कोड था 346 GB, ये जो है खंड अ और खंड ब दोनों पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए हैं प्यारे बच्चों, जो बचे हुए खंड है उन सभी खंड को हम लोग समाधान करेंगे, ऐसी बात नहीं है, परंतु कुछ समय बाद हम लोग समाधान करेंगे प्यारे बच्चों, तब तक आप इतना प्रश्न जो है कम से कम अभी टारगेट है एक एक नंबर वाले प्रश्न, आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाने चाहिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो में आज की क्लास में कहीं भी कोई भी आपको डाउट नहीं रह गया होगा,
अगर प्यारे बच्चों कहीं डाउट रह गया होगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक अगर कहीं भी डाउट नहीं है तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर कोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।